बनाने के लिए मैंने लिए हैं 5 मीडियम साइज आलू और इनको मैं कश कर लूँगी। और ये आलूओं को मैंने कश करके इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। आपने ख्याल रखना है कि आलूओं में उनका पानी बिल्कुल भी ना रहे, बिल्कुल ये ड्राई हो जाएं। 3 टेबल स्पून मैंने लिया है बेसन, 1 अदद मैंने लिया है अंडा, 1 प्याज ली है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जिस तरह आप चाहें डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने पिसा सूखा धनिया लिया है। अब मैंने एक बाउल ले लिया है, उस पे मैं डालूंगी अपने कश किए हुए आलू और उसके साथ मैं ऐड करूंगी स्पाइसेस, नमक, गरम मिर्च, पिसा सूखा धनिया और इसके साथ ऑप्शनल है अगर आप जीरा डालना चाहें, थोड़ा सा जीरा अगर आप डालना चाहें तो, चॉप की हुई प्याज, 1 अंडा और बेसन। अब आपने इसे करना है अच्छे से मिक्स कि अंडा और बेसन जो है वो आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अंडे की वजह से और बेसन की वजह से ही आलू जो हैं वो एक साथ जुड़ेंगे, टूटेंगे नहीं आपके आलू। और मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको बेसन कम लगे तो आप दोबारा से थोड़ा सा डाल सकते हैं, अगर आपको लगे कि आपके कबाब जुड़ नहीं रहे हैं। अंडा आप एक ही डालिएगा। वन टेबल स्पून बेसन में और ऐड कर रही हूँ इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं फिर कबाब की शेप दे दूंगी। चलिए फिर इसे कबाब की शेप देते हैं। ये देखिए इसे अब हम कबाब की शेप दे देते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने लिया है आलूओं का छोटा सा पेड़ा और उसको हम इस तरह कबाब की शेप दे देंगे। आप जितनी जल्दी हो सके आलूओं का जब मिक्सचर बनाएं तो जितनी जल्दी हो सके उसके कबाब बना लें, क्योंकि आलू दोबारा पानी छोड़ना शुरू कर सकते हैं। एक्चुअली ये देखिए हमारे कबाब रेडी है और इसी तरह हम बाकी सारे कबाब बना लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे कबाब बन गए हैं, अब हम इसे फ्राई करते हैं फ्राई पैन में। ये देखिए व्यूअर्स, पैन हमने गरम किया और इस सारे पैन में अच्छे से ऑयल लगा देंगे हम और इसके बाद हम डालेंगे कबाब। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने कबाब डाल दिए हैं, इनको बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि आलू का पानी निकलता रहता है। फिर हमने इसमें अंडा भी डाला हुआ है और मैं आपको फिर दोबारा बताती चलूँ, जैसे ही आप ये कबाब का मिक्सचर तैयार कर लें फ़ौरन से कबाब बना के फ्राई कर लें, या हो सके तो इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी हो जाए। तो चलिए अब हम इसे करते हैं फ्राई और एक तरफ से ब्राउन होने के बाद हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये देखिए हमारे कबाब जो हैं वो एक तरफ से ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छे जुड़े हैं।
ये देखिए बिल्कुल भी टूट नहीं रहे। ये दो मैंने पलटे हैं, आप इन्हें देखें ये कितने अच्छे पलटे गए हैं। और बाकियों को भी हम देखते हैं और दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे कच्चे आलू के कबाब हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। ये देखिए